हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सेहुड़ पौधा के पहचान बताऊंगा। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, इसका पहचान सिखाऊंगा। वैसे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका बहुत सारा फायदा बता चुका हूँ। जंगली इलाकों में बहुत से लोग ये पौधा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि जंगली इलाकों में जो जंगली जानवर होते हैं ना, काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये खेतों की मेड़ों पर लगाए जाते हैं, जिससे फसल को नुकसान नहीं कर पाते, काफ़ी कैटेला होता है, जंगली जानवर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो इसी का फ़ायदा बताने वाला हूं। किसी भाई ने सेहुड़ के दातुन कर लिए थे, ठीक है, किसी फौजी भाई ने, ऐसा बताया जाता है, सेहुड़ के दातुन कर लिए थे तो पूरे दांत गिर गए। जी हाँ, बिल्कुल ही, ये पूरे आपके संपूर्ण दांतों को अगर इसका आप दातुन करें तो गला करके निकाल देते हैं। सावधान, थोड़ा सा सतर्क रहे, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी होने पर ही प्रयोग करना चाहिए। मैं आप सभी को इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी फ्री में सिखाता हूं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रह सके, और इनके कौन से चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदेह, ये भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को आज ही फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थुहर के दूध को पारे में मिला करके मर्दन करने से, या पुटपाक यंत्र में मिला करके इसका कुछ विधि होता है, जिसका प्रयोग करने के बाद स्वर्ण निर्माण भी कर सकते हैं, हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताए थे। इसका 3 से 4 फायदा बताने वाला हूं, जो कि आपको हमेशा काम आने हैं। अधिकतर हमने बहुत से लोगों को देखे हैं गंजेपन की समस्या से परेशान रहते हैं, बाल उगाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, तरह तरह के खर्चे करते हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों का त्यों बनी रहती है। तो ये सेहुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेहुड़ बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, और इसके अगर कोई सेवन कर ले गलती से तो मौत भी हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग अंदरूनी हिस्से पे नहीं करना है, जब भी इसका प्रयोग करें बाहरी हिस्से पे करें। ये काफी जहरीला होता है, इसलिए दोस्तों ये त्वचा संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। जहरीला होने के साथ साथ ये बहुत सारी बीमारी में प्रयोग होता है। इसका कभी भी भूल करके खाना नहीं है, इसका दूध प्रयोग नहीं करना है खाने के लिए, बाकी बाहरी हिस्सों में कर सकते हैं। तो 5 मिनट के आज के इस वीडियो में बताया गया जानकारी सेहुड़ के बारे में, जो भी फायदा बताऊंगा जिंदगी भर काम आएंगे, अभी नहीं जिंदगी भर काम आएंगे। तो पहला फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। गंजापन मिटाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके दूध में समान मात्रा में सरसों का तेल मिला करके, अगर 2 चम्मच इसके दूध ले रहे हैं तो 2 चम्मच आपको सरसों का तेल मिलाना है। मिला करके सिर पर लगाने से गंजे सर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह काफी कड़वा होता है और बाल झड़ाने वाले जो बैक्टीरिया रहता है उसे खत्म करने का काम करते हैं, जिसे धीरे धीरे फिर से बाल आना शुरू हो जाते हैं। दांत के कीड़े को नष्ट करने के लिए, यदि दांत में कीड़े लग गए हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह जानकारी हमेशा काम आने वाली है। बहुत से लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, दांत में कीड़े से परेशान रहते हैं और बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा 1 रुपए नहीं लगेंगे, फ्री की दवा का एक बार प्रयोग करके देखना, दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े जड़ से समाप्त हो जाएंगे और बोलेंगे कि थैंक यू सर, आपने जो उपाय बताया वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। तो यदि दांत में कीड़े लगे हैं तो थुहर के जड़ को मुख में रखने से, है ना, इसके जड़ को मुख में रखने से, दांत दर्द हो रहे थे दांतों में चबा बस करके रखें तो दांत के कीड़े धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसके तना को, इसके दूध का प्रयोग नहीं करना, इसके जड़ को आपको मुख में रखना है तो दांत के कीड़े मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दांत निकालने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर दांत हिल रहे हैं तो इसके दूध को, बहुत परेशान हो चुके हैं, दांत टूटने का नाम नहीं रहे, हिल रहे हैं, तो इसके दूध को जो दांत आपके हिल रहे हैं उसमें लगा देने से दांत बिल्कुल ही सहज तरीके से गिर जाता है, परंतु दूसरे दांत पर दूध नहीं लगना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अगर सभी दांतों में इसका दूध लगा दिया जाए तो पूरे दांत गल करके गिर जाते हैं। इसके बाद इसके अंतिम फायदे इस प्रकार से हैं, अगर त्वचा संबंधी जैसे कि मस्सा है, फुंसी है, तो मस्से और कठोर कोई भी जैसे फुंसी वगैरह आ गया, कठोर चीज़ हमारी स्किन में, तो इसके दूध को लगाने से मिट जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारी, जो कि हमें पता था, आप लोगों के साथ में जानकारियाँ शेयर की। यह जानकारी कैसा लगे हमें ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।